कैसे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 12 का चैप्टर मैथ में। मैथ में देखते हैं फलन। फलन क्या होता है, फलन के कितने प्रकार होते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का हम लोग इंट्रो देखेंगे। 1.2 का इंट्रो देखेंगे। 1.2 का इंट्रो देखते हैं। आप कक्षा 11 में सीख चुके हैं फलन क्या होता है। फलन फंक्शन क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं आप कक्षा 11 में आप देख चुके हैं ना। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन ऐसे संबंध होते हैं, जिनमें जिनके क्रमिक युग्मों में प्रथम अवयव क्या होता है, समान नहीं होता है। ऐसे संबंध होते हैं जिनके प्रथम अवयव, जिनके क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव क्या होते हैं, समान नहीं होते। जैसे मान लो लिखा है R1 बराबर लिखा गया है 1, 2, 1, 3, 2, 4। देखिए इस तरह से अगर कोई संबंध लिखा गया है तो ये क्या नहीं होगा, फलन नहीं होगा, क्योंकि इसका इसके जो क्रमिक युग्म है, क्रमिक युग्मों के क्या है, प्रथम अवयव क्या है, समान है। इसलिए क्या नहीं है, फलन नहीं है, ये फलन नहीं होगा, फलन नहीं होगा ना। हम तो फलन जैसे R2 बराबर लिखा है, कोई संबंध लिखा है R2 बराबर है 2, 4, 2, 4, 4, 3, 3, 5 ऐसे मान लो लिखा गया है, ये जो संबंध होगा ये फलन होगा। ये इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फलन कह सकते हैं, ये फलन होगा। तो समझ में आया फलन क्या होते हैं। फलन ऐसे संबंध होते हैं जिनके क्रमिक युग्मों के प्रथम अवयव क्या होते हैं, समान नहीं होते हैं। अब ये तो संबंध फलन हो गया। फलन जो होता है, फलन के प्रकार हमको देखना है इस अभ्यास में। हमको देखना है फलन के प्रकार देखना है। संबंध के प्रकार तो हम लोग पिछले चैप्टर में देखे, पिछले अभ्यास में देखे, यहां देखेंगे फलन के प्रकार देखते हैं। फलन जो होते हैं, इस फलन को समझने के लिए सबसे पहले एक प्रचित्रण हम लोग देखते हैं, मैपिंग देखते हैं। मैपिंग में क्या होता है, मैपिंग बना हुआ है, एक मैपिंग ऐसे बना हुआ है ए से बी में, ए से बी में इस तरह से मैपिंग बना हुआ है। ये कोई फलन है F1, ये ए है, इसका प्रांत है, बी इसका क्या है, सहप्रांत है। इसके अवयव मान लो 1, 2, 3, 4 है। इसके अवयव मान लीजिए ए बी सी डी ई है। अगर एक एक का क्या है, एक का प्रतिबिंब कौन है, ए है, दो का प्रतिबिंब बी है, तीन का प्रतिबिंब सी है, चार का प्रतिबिंब कौन है, डी है। एक फलन ऐसे बना हुआ फिगर वन है, ये फिगर वन है। फिर एक मैपिंग ऐसे बना हुआ है, एक मैपिंग है, ये ए है, ये बी है, ये आपका लिखा है फलन F2 लिखा है 1, 2, 3 ए बी सी डी ई। मान लीजिए 1 का प्रतिबिंब बी है, फिर 2 का प्रतिबिंब डी है, 3 का प्रतिबिंब सी है, एक ये है। तीसरा बना हुआ है, तीसरा ऐसे बना हुआ है, एक संबंध यहां फलन लिखा है F3 लिखा है, प्रांत ए, सह प्रांत इसका बी होगा, 1, 2, 3, 4 लिखा है, ए बी सी डी लिखा है, इस तरह से लिखा है। अगर मान लीजिए ए बी सी का ही लिखा है, मान लीजिए 3 का प्रतिबिंब कौन है, सी है, 4 का प्रतिबिंब कौन है, सी है, 2 का प्रतिबिंब बी है, 1 का प्रतिबिंब कौन है, ए है, और एक और बना हुआ है ऐसे, एक फलन और है इस तरह से, ए से बी में परिभाषित है, ये फलन ए से बी में परिभाषित है 1, 2, 3, 4 ए बी सी डी। ऐसे अगर मान लो बना हुआ है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है ना, ऐसे बना हुआ है। तो फिगर 1, 2, 3 तीन फिगर है, 1, 2, 3 है, और है चौथा फिगर है। तो जो फलन के प्रकार में हमको देखना है, सबसे पहले कौन सा फलन होता है, एकाएकी फलन होता है। एकाएकी, 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 या इसको हम लोग एकाएक फलन भी कहते हैं, एकाएक, एकाएक। इंग्लिश इसका होता है 1-1, 1-1, या इसको हम लोग बोलते हैं वा या
इसको बोलते हैं सजेक्टिव बोलते हैं ना, वन वन बोलते हैं या इंजेक्टिव बोलते हैं। देखते हैं वन वन क्या होता है, वन वन फंक्शन के देखो इसके इंग्लिश से स्पष्ट हो जाता है कि वन का वन होगा, मतलब वन वन या एकाएक फलन क्या होगा आपका, एकाएक फलन क्या होता है, यह क्या होता है प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, तब इसे हम लोग क्या कहते हैं एकाएक फलन कहते हैं ना। तो इसमें लिखेंगे हम लोग प्रांत, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का, भिन्न भिन्न अवयवों का, अवयवों का सह प्रांत में, का सह प्रांत में, सह प्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब होता है। अगर ऐसा होता है तो कौन सा फलन होगा, वन वन होगा अथवा एकाएक फलन होता है, नहीं एकाएक ही फलन होता है। तो इस तरह से ये जो फलन देखिए, ये जो आपको फलन है, फलन F1 लिखा है, F1 क्या है एकाएकी है, F1 एकाएकी है, F1 एकाएकी है ना, एकाएकी क्यों है, देखिए इसके भिन्न भिन्न यानी एक का कुछ और है प्रतिबिंब, दो का कुछ और है प्रतिबिंब, तीन का कुछ और है, चार का कुछ और है, इसके भिन्न भिन्न अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब आया है ना, इसलिए क्या होगा ये एकाएकी फलन होगा। इसमें देखो अगर क्या होता है, यदि क्या हो, यदि x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ ए हो, x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ क्या हो, ए हो, तो x1 x2 एलिमेंट ऑफ ए के लिए, ए के लिए, के लिए यदि क्या हो fx1 बराबर कितना हो, fx1 बराबर कितना हो fx2 हो ना, fx1 बराबर अगर fx2 होता है, होने पर, होने पर x1 बराबर क्या आता है x2 आता है, तो वह फलन क्या होगा एकाएकी फलन होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे डिफिनेशन को समझेंगे, अभी एग्जांपल से लेंगे हम लोग, एग्जांपल के आधार पे सवाल अपने आप से क्लियर हो जाएगा ना। x1 अगर क्या होता है x1 और x2 उल्टा भी कर सकते हैं, अगर x1 बराबर x2 हो तो x1 बराबर क्या आना चाहिए x2 आना चाहिए। तो मतलब क्या है कि अगर x1 बराबर x2 हो ना, x1 बराबर x2 हो तो x1 बराबर कितना होगा fx2। fx1 का मतलब क्या होता है y का मान, यानी कि उसका रेंज, इसका परिसर। तो देखो इसका परिसर अगर ये देखा जाए, इसका परिसर a b c d है ना, सह प्रांत क्या है a b c d e है, बस समझ में आया। तो अगर क्या होता है x1 बराबर x2 हो, यानी 1 बराबर 1 हो, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा a बराबर क्या होगा a, a का मतलब क्या होगा वही आपका हो गया fx1 ना, fx1 इक्वल टू कितना हो जाएगा fx2, यानी f, देखो यहां पे क्या होगा f1 का वैल्यू कितना है, f1 का वैल्यू कितना है a है, फिर f1 का वैल्यू कितना है a है, बस समझ में आया। तो अगर ये मान लो आपका है x1, ये मान लीजिए कितना है x2 है, सॉरी अगर मान लीजिए है x1 है, है क्या है x2 है, तो x1 बराबर अगर x2 होगा, x1 बराबर अगर क्या होगा, x1 बराबर x2 होगा, तो इसका जो वैल्यू आया, तो fx1 का मान समझ लो ना, तो fx1 बराबर fx1 ये है बराबर कितना हो जाएगा, ये fx2 है, fx2 होगा ना। इस चीज को इस तरह से हम लोग क्लियर करेंगे, अभी एक उदाहरण हम लोग लेंगे, उससे क्या हो जाएगा अच्छी तरह से खूब क्लियर हो जाएगा। ये दूसरा क्या होता है, ये तो पहला हो गया एकाएकी फलन होता है। दूसरा क्या होता है, अगर क्या होता है देखिए, यहां पे प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, यहां क्या हुआ था प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में अलग अलग प्रतिबिंब था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है, इसको हम लोग बोलते हैं बहु एक फलन बोलते हैं, बहु एक फलन इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बहु एक फलन बोलते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा बहु एक फलन होगा ना, मेनी वन इसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं मेनी वन फंक्शन इसको हम लोग बोल देते हैं ना, मेनी वन फंक्शन। तो बहुएक फलन क्या होगा, बहुएक फलन क्या होगा, यदि प्रांत के
दो या दो से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो, दो या दो से अधिक अवयवों का एक ही प्रतिबिंब हो। देखो दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब, ऐसे तीन अवयवों का भी क्या हो सकता है, एक ही प्रतिबिंब हो सकता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, यदि क्या होता है, यदि प्रांत माने डोमेन ना, प्रांत माने क्या होता है डोमेन, यदि प्रांत के दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, यदि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों अवयवों का दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो, दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो, एक ही प्रतिबिंब हो, प्रतिबिंब हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुएक फलन कहेंगे, तो उसे बहुएक फलन कहते हैं, बहुएक फलन, बहुएक फलन कहते हैं, बात समझ के रखिएगा, नहीं बहुएक फलन कहते हैं। तो इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं रखना है, क्वेश्चन आपको इस पे आएंगे और बाकी जो दो हैं दोनों पे आएंगे। देखिए तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है, ये बहुएक हो गया, समझ में आया, तीसरा क्या होता है, ये तार्किक मेथड इसका होता है, लॉजिकल मेथड ये होता है, लॉजिकल मेथड से इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे, तार्किक विधि इसको कहते हैं, इसको तार्किक विधि से हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा होता है, तीसरा क्या है कि अगर क्या होता है, तीसरा देखिए इसमें देखिए क्या था, ई बचा था सहप्रांत में, ई बचा था, इसमें क्या है सहप्रांत में डी ई बचा है, इसमें सहप्रांत में कुछ भी नहीं बचा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आच्छादक, यानी पूरी तरह से ढका हुआ, आच्छादित नहीं, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव पूरी तरह से ढका हुआ है, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होता है, यानी सहप्रांत में कोई अवयव शेष नहीं बचता, तो ऐसे फलन को हम लोग बोलते हैं आच्छादक, आच्छादक या आंटू फलन बोलते हैं, आंटू मैपिंग बोलते हैं, आंटू फंक्शन बोलते हैं ना, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, इसको हम लोग बोलते हैं आंटू, आंटू फंक्शन बोलते हैं ना, आंटू फंक्शन इसको बोल देते हैं। देखो आंटू फंक्शन क्या होता है, यदि सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, यदि क्या हो, यदि सहप्रांत कोडोमेन, सहप्रांत इसको कोडोमेन बोलते हैं, कोडोमेन, ये कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव, ये कोडोमेन का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी, किसी न किसी, किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, किसी न किसी, किसी न किसी अवयव, अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो, प्रतिबिंब अवश्य हो, अवश्य हो, तो प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य हो तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, आच्छादक फलन कहते हैं, तो उसे आच्छादक फलन कहते हैं, आंटू फंक्शन कहते हैं, फलन कहते हैं, ठीक, इस तरह से आपको हो जाएगा। इसमें क्या होता है, देखो आच्छादक फलन ये हो जाएगा, ऐसा प्रांत में कोई भी अवयव शेष नहीं होना चाहिए ना, सहप्रांत का कोई भी अवयव शेष ना हो, मतलब बचा न हो। इसमें क्या होता है, इसका जो परिसर है, देखिए ए बी सी, जो किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं उन्हीं को फलन का परिसर कहते हैं। देखिए जो किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं, देखो ए भी क्या है प्रतिबिंब है, बी भी क्या है प्रतिबिंब है, सी भी क्या है प्रतिबिंब है, नहीं तो सहप्रांत के वे अवयव जो प्रांत के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब होते हैं उन्हें हम लोग फलन का क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। कक्षा 11 में आप सीख चुके हो परिसर क्या होता है, प्रांत क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है, तो परिसर इसका क्या हो जाएगा ए बी सी, और इसका सहप्रांत क्या हो जाएगा ए बी सी, नहीं यानी इसमें क्या होना चाहिए, इसको ध्यान रखेंगे
कि आच्छादक फलन में, आच्छादक आच्छादक फलन में क्या होना चाहिए, आच्छादक फलन में जो फलन का सह प्रांत होगा ना, सह प्रांत वो परिसर की क्या होगा, बराबर होगा, या जो परिसर होगा, परिसर ना, परिसर फलन का परिसर, फलन का परिसर बराबर हो जाएगा सह प्रांत, पूरा सह प्रांत हो जाएगा। अगर पूरा फलन का परिसर सह प्रांत के बराबर आता है तो वो फलन क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। इसमें क्या होता है, यदि क्या हो, प्रत्येक y इज एलिमेंट ऑफ y के लिए, प्रत्येक, देखो तार्किक विधि से कैसे शो करेंगे, प्रत्येक y, प्रत्येक y इज एलिमेंट ऑफ b, जो y होगा इसका होगा, x होगा इसका होगा ना, प्रत्येक y इज एलिमेंट ऑफ b के लिए, b के लिए a में, a में एक ऐसा ऐसा x होगा, x होगा y, प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक y इज एलिमेंट ऑफ b के लिए a में एक ऐसा x होगा जिसके लिए, जिसके लिए, जिसके लिए क्या होता है, fx बराबर कितना हो जाता है, y, fx बराबर y होता है। तर्क मेथड से इसको ऐसे सिद्ध करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, जब इसका एग्जांपल देखेंगे तो बातें क्लियर हो जाएंगी ना। ये तो हो जाएगा आच्छादक, आंटू मैपिंग होता है ना, आंटू। अब उसके बाद ये तो हो गया, आंटू हो गया नहीं, क्योंकि सह प्रांत का कोई भी अवयव शेष नहीं है। इसमें भी देखो सह प्रांत का कोई भी अवयव शेष नहीं है, ए बी सी डी किसी न किसी के क्या है, प्रतिबिंब है। जब ये किसी न किसी के प्रतिबिंब है, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो प्रांत के दो अवयवों का एक ही प्रतिबिंब था, यहाँ पे एक का एक है ना, एक का एक है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, एकाएकी भी होगा और आच्छादक भी होगा। एकाएकी माने एक का एक होगा ना, एक का एक होगा और सह प्रांत में कोई अवयव बच नहीं रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आच्छादक भी होगा। यहां देखिए एकाएकी तो था लेकिन आच्छादक नहीं था, क्यों, क्योंकि सह प्रांत में एक अवयव बचा था, जो प्रांत के किसी भी अवयव का क्या नहीं था, प्रतिबिंब नहीं था, इसलिए क्या है ये आपका एकाएकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है, लेकिन ये क्या है, एकाएकी भी है और आच्छादक भी है। तो ये क्या करेंगे, आप रूल को नोट करेंगे, हम लोग देखते हैं एकाएकी आच्छादक ना, एकाएकी आच्छादक फलन क्या होता है, वन वन आंटू फंक्शन क्या होता है ना, वन वन आंटू, देखिए डिफिनेशन आपको समझ में आएगा, सवाल आते जाएंगे, डिफिनेशन समझ में नहीं आएगा, सवालों में दिक्कत होगी। हम लोग देखते हैं वन वन आंटू यानी कि एकाएकी, चौथा जो आपका है एकाएकी, एकाएकी आच्छादक फलन, आच्छादक एकाएकी आच्छादक फलन, एकाएकी आच्छादक फलन क्या होगा, या इसको हम लोग बोलेंगे वन वन आंटू, वन वन आंटू ना, आंटू फलन इसको बोलते हैं, वन वन आंटू बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या बनेगा, यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत के, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव ना, प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है, तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, एकाएकी भी कहेंगे और आच्छादक भी कहेंगे। तो यदि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत, यदि सह प्रांत कोडोमेन का, कोडोमेन का ना, कोडोमेन का प्रत्येक अवयव का, प्रत्येक अवयव, प्रत्येक अवयव प्रांत के, डोमेन के, प्रांत के, प्रांत के प्रत्येक अवयव या प्रत्येक प्रांत के अवयवों के, प्रांत के अवयवों, प्रांत के अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब, भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो ना, प्रतिबिंब हो, तो हूं तो उसे एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं, तो उसे एकाएकी आच्छादक फलन कहते हैं, आच्छादक, आच्छादक फलन कहते हैं, फलन कहते हैं।
आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि कोई फलन क्या होता है, एकैकी होता है और आच्छादक होता है, तो उसे हम लोग एकैकी आच्छादक फलन कहते हैं। जैसे एक चीज यहां लिख लेंगे, जैसे फिगर कौन, फिगर फोर, ऐसे सब में लिख देंगे, ये फिगर थ्री है ना, जैसे फिगर थ्री, जैसे फिगर थ्री। आप इस तरह से अगर आप एक नोट बना के रखेंगे तो जब भी आप क्या करेंगे, इसका रिविजन करेंगे, रिविजन करने में क्या होगा, ये आपको कंप्लीटली तैयार हो जाएगा ना। तो आप फिगर बना करके एक कॉपी पे इसको बढ़िया नोट बना करके रखिएगा, तब चीजें आपको समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, एक उदाहरण हम लोग देखते हैं।